आज के इस वीडियो में बात देश में बढ़ती महंगाई पर करेंगे। पिछले कई दिनों से पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि वे 100 से पार हो चुके हैं और कई जगह 110 तक भी पहुंच गए हैं। खाने के तेल के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। 19 अगस्त को सरकार ने LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की वृद्धि की है, जिसके साथ ही LPG सिलेंडर का दाम लगभग 860 रुपए हो गया है। प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर वाज हाइक्ड बाय 25 रुपीस पर सिलेंडर विद इफेक्ट फ्रॉम द 17th ऑफ अगस्त। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और लिखा, महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर भराने के पैसे नहीं है, काम धंधे बंद हैं, ये आम महिलाओं की पीड़ा है, इनकी पीड़ा पर कब बात होगी, महंगाई कम करो। अगर वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो UPA सरकार के समय भाजपा सरकार विपक्ष में थी और पेट्रोल डीजल LPG सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि होते ही प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाती थी। टांगे पर LPG सिलेंडर रखकर BJP नेता विजय गोयल दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का घेराव करने पहुंचे। उनके साथ भारी तादाद में उनके समर्थक भी मौजूद थे। भाजपा के बड़े नेता सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते थे और सरकार की खूब आलोचना करते थे। अब भाजपा नेता स्मृति ईरानी को सुनिए, वे UPA सरकार को LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर घेर रही थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी LPG के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब LPG के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में हर जिले में हर मंडल में कांग्रेस ने UPA सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। LPG के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, LPG पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। अब तो सत्ता में बैठे नेता से जब महंगाई पर सवाल होता है तो जवाब में अफगानिस्तान या पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाता है। नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा, वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है। पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़े। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने UPA सरकार की गलती बताया। उन्होंने कहा कि पिछली UPA सरकार ऑयल बॉन्ड्स लेकर आई थी और सरकार को उनके ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। अगर सरकार पर ऑयल बॉन्ड का बोझ नहीं होता तो वह फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की स्थिति में होती। हालांकि 24 अगस्त को तेल की कीमतें कम ज़रूर हुई हैं, केवल 15 पैसे। इससे पहले रविवार को भी तेल की कीमतों में गिरावट हुई थी और वो भी थी 20 पैसे और मीडिया इसे बड़ी राहत बता रहा है। ट्विटर पर लोगों ने कुछ ट्वीट कर पेट्रोल की कीमतों में गिरावट होने पर टिप्पणी की। ट्विटर यूज़र सुरभि तिवाड़ी ने लिखा, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात हो तब 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया आदि के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन जब रेट कम करने की बात आती है तब 5 पैसे घटे, 25 पैसे घटे, 80 पैसे घटे। क्या ये स्कैम नहीं है जनता के साथ? देश में निजीकरण पर भी बात जारी है। सरकार की ओर से सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में कुछ समय के लिए देकर पैसा जुटाने पर बात जारी है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में दी। बेचना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कहने में भी नहीं, इसलिए इसके लिए नई शब्दावली आई है मुद्रीकरण की, मोनिटाइजेशन की। सरकार ने दावा किया है कि मुद्रीकरण के तहत परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। 4 साल के लिए ये संपत्तियां निजी सेक्टर को दी जाएंगी, उसके बाद उन्हें वापस करनी होगी। मुख्य रूप से परिवहन, रेलवे और पावर की परिसंपत्तियों को निजी हाथ में सौंपकर लाखों करोड़ों के लक्ष्य रखे गए हैं। 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रखरखाव प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। हिंदी में समझें कि टोल नाके बढ़ाए जाएंगे, आपको ज्यादा टोल टैक्स देने होंगे। गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन को भी निजी हाथों में दिया जाएगा, जिसके जरिए करीब 50,000 करोड़ हासिल करने का लक्ष्य है। वेयर हाउसिंग संपत्तियों को भी निजी क्षेत्र में के हाथों दिया जाएगा, यहां तक कि पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस तक को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात है। LPG सिलेंडर के दाम बढ़े तो किस को दिए मीडिया चैनल पर डिबेट देखने को मिली। लगभग हर चैनल तालिबान पर ही डिबेट कर रहा था,
या फिर विपक्ष पर उंगली उठा रहा था। अफगानिस्तान में हो रहा है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, लेकिन चू तक नहीं निकल रही किसी के मुंह से। धोखा मिला है, धोखा मिला है। हम कहते थे ना इसकी तालिबानी सोच है, ये तालिबान सत्य हो रहा है। डर देखिए, ये डर है, और वो तमाम गैंग जो पूरा दिन डर का माहौल की पैरोकारी करता है इस देश के अंदर। टुनाइट आई वांट टू टेल देम दिस इज द फियर। तालिबान के कई सारे समर्थक पैदा हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कितनी सहूलियत के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है अफगानिस्तान में। मगरमच्छ मछली की खाल पहन ले तो क्या वो मछली बन जाएगा? क्या वो खींचना और जबड़ों से इंसान की जान लेना छोड़ देगा? क्या आप आतंकियों की सरकार को दुनिया मान्यता देने के लिए तैयार हो गई? दिस इज व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू। ये इंडियन वेरिएंट, तालिबानी इंडियन वेरिएंट। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीर टूट गई है। और इमरान खान नियाजी बोलते, देखिए जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है अफगानी लोगों ने। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, लगता है इलेक्शन पास है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।